नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बस में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम करंट का एक टॉपिक लेते हैं और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। अच्छी बात यह है ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में होती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि किसी भी टाइप के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड पार्टी सिंबल। जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी पार्टी का सिंबल है वो कैसे डिसाइड करती है। ये हाल ही में न्यूज में इसलिए है क्योंकि बिहार के जो असेंबली इलेक्शन है 2020 को आने वाले हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे सुनील अरोड़ा, उन्होंने 25 सितंबर 2020 को ये अनाउंस कर दिया था कि बिहार असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। स्टार्ट ये कब होंगे, 28 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और एंड होंगे 7 नवंबर को। इलेक्शन है वो एंड हो जाएगा। ये टोटल जो इलेक्शन है ये तीन फेज के अंदर चलेंगे। तीन फेज के टोटल जो सीट्स है वो है 243 टोटल सीट्स है। कितने सीट्स है बिहार इलेक्शन की, 243 टोटल सीट है। तीन फेज में चलेंगे। फर्स्ट फेज के अंदर 71 सीट्स के इलेक्शन होगा जो कि होगा 28 अक्टूबर को, ठीक है। और सेकेंड जो फेज होगा, सेकेंड फेज के लिए 94 सीट्स पे इलेक्शन होगा 3 नवंबर को। और जो थर्ड फेज होगा उसके अंदर 78 सीट्स के लिए इलेक्शन होगा 7 नवंबर को, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, वो आएगा 10 नवंबर 2020 को रिजल्ट आ जाएगा। और जो अभी हाल फिलहाल में जो पार्टी है, वहाँ रूलिंग पार्टी है, उनका जो सेशन एंड होगा वो 29 नवंबर 2020 में उनका सेशन है वो एंड हो जाएगा। हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो कोई न्यू पार्टीज हैं, देखने को हो सकता है जो वोटर्स है उनको दिख सकता है कि जो सिंबल्स हो वो हमारा चपाती रोलर का हो। चपाती रोलर मतलब जो हम अपने घरों में यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए, जो बेलना होता है उसका कोई सिंबल देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी डोल का हो, चूड़ी का हो, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, इनमें से कोई भी सिंबल देखने को मिल सकता है आने वाले बिहार के इलेक्शन में। और सिंबल्स है, सिंबल्स इतना ज़रूरी होता क्यों है किसी भी पार्टी के लिए, अपने आप को यूनिक बनाने के लिए, आइडेंटिफाई करवाने के लिए, ताकि लोग बस ये सिंबल देखें और उन्हें पता लग जाए कि हमें इस पार्टी को वोट करना है, उनके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक यूनिक सिंबल को चूज किया जाता है पार्टी के द्वारा। जो सिंबल्स है होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के सिंबल होते हैं, एक तो हमारे रिजर्व होता है, दूसरा होता है फ्री सिंबल। तो एज पर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 2017 जो पार्टी के सिंबल है वो हमारे रिजर्व होते हैं और फ्री होते हैं। रिजर्व कौन कौन से है, 8 नेशनल पार्टी के जो सिंबल है, 8 नेशनल पार्टी के जो सिंबल है वो रिजर्व है। और 64 स्टेट पार्टी अक्रॉस द कंट्री वो रिजर्व सिंबल है, वो कोई भी यूज नहीं कर सकता। बाकी जो बचे हुए 200 सिंबल है जो कि फ्री के अंदर आते हैं, कोई भी पार्टी अपनी नई बना रहा है या फिर स्प्लिट हुई है या कोई मर्ज होने के बाद अपना न्यू सिंबल लेना चाहती है, तो इन 200 फ्री सिंबल में से कोई भी सिंबल्स को चूज कर सकता है कोई भी पार्टी। ओके, पार्टी आ रही है ना, या फिर कोई पार्टी स्प्लिट हुई है, तो उसको सिंबल है वो कैसे अलॉट करती है इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन होती है ना इंडिया में, चाहे किसी के भी इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के हो, प्रेसिडेंट के हो, लोकसभा के हो, एमएलसी के हो, एमएलए के हो, सभी का जो देख रेख रखती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखती है, ठीक है। तो एज पर गाइडलाइन टू गेट अ सिंबल अलॉटेड, जो सिंबल दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, जो पार्टी है या फिर कोई भी कैंडिडेट है उसको क्या करना पड़ता है, एक लिस्ट देनी पड़ती है तीन सिंबल की। कितने सिंबल की, तीन सिंबल की वो लिस्ट दे देगा, जो हमारा फिलिंग नॉमिनेशन पेपर होता है उसके अंदर अपने जो लिस्ट है वो तीन सिंबल्स की दे देगा। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो चेक करेगी और अलॉट कर देगी सिंबल को। सिंबल अलॉट कैसे होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी नॉमिनेशन पार्टी ने दिया है, जैसे दो पार्टी लगा लेते हैं है ना, कि एक पार्टी ने दे दिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी पार्टी ने भी आके अपने नॉमिनेशन पेपर के अंदर वो सिंबल दे दिया, तो जो पहले पार्टी आई थी ना उसको सेम सिंबल, दोनों में अगर कोई सेम सिंबल है तो फर्स्ट वाली पार्टी को वो सिंबल दे दिया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। और जो पार्टी है, अगर सपोज करो कि जो इलेक्शन है वो हो जाते हैं, उसके बाद कोई पार्टी मर्ज होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मर्ज हो जा सॉरी पार्टी स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, तो जो सिंबल था, सिंबल तो एक ही था, तो वो सिंबल किसको दिया जाएगा, ये सब कौन ध्यान रखता है, कौन करेगा, जो डिस्प्यूट हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, इसका निपटारा कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ही करता है। और अगर कोई पार्टी मर्ज भी हुई है ना, तो कौन सा सिंबल रखना है इसका भी जो निपटारा कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर 1968 द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज द
पॉलिटिकल पार्टी को भी रिकॉग्नाइज करेगी कि उसका नाम क्या रखना है और साथ के साथ सिंबल भी अलॉट करेगी। तो अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ द ऑर्डर, इस ऑर्डर का जो पैराग्राफ नंबर 15 है, उसके हिसाब से कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टीज में, सेक्शन के अंदर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है, मर्जर होता है या स्प्लिट होता है, तो पार्टी है जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उस पार्टी का निपटारा करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहा हो, किसी भी स्लाइड पे लेके कोई ऐसी बात है आपको समझ नहीं आई या मैंने अच्छे से क्लियर नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पीपीटी में आपको कोई भी ऐसी लाइन या कुछ भी ऐसा लगा जो समझ नहीं आया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।